الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وما أور نهي على الذين ان لوگوں پر جو यत्तकूना वो सब परहेजगारी इख्तियार करते हैं यानी तकवा इख्तियार करते हैं मिन हिसाबिहिम उनके हिसाब से मिन शैइन कुछ भी वलाकिन और लेकिन उनके जुम्मे जिक्रा नसीहत करना है लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो सब बुराई से बच जाएँ लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो बच जाएँ यानी मुत्तकी बन जाएँ बच जाएँ। ये जो आयत है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में और इससे पहले जो थी उसमें कुफार की मजालिस जो हैं जिनमें अल्लाह ताला की आयत के साथ इस्तेहजा किया जाता है उनमें बैठने से मना किया। और यहाँ पे इस जगह इस आयत में कुछ इससे सनाई सूरत भी पैदा हो रही है। मजमून का रुत ये है कि जो लोग मजलसों में बैठकर अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते हैं उनके गुनाहों का जो बोझ है उन्हीं पर है। और वो लोग जो उन मजालिस में उन मजलसों के अंदर नहीं बैठते ग्रेज करते हैं उन पर उनके गुनाहों का बोझ नहीं होगा यानी जो गुनाह करेगा उस पर ही होगा दूसरों पर उसके गुनाह का असर यानी उसका बोझ नहीं होगा। हाँ ये अलग बात है कि कोई शख्स इस गरज से उन मजलसों में जाकर बैठ जाता है ताकि उनको समझाए नसीहत करे तो ये जायज़ है मुमकिन है यानी इस वजह से जाकर बैठता है कि वो नसीहत से मुतासिर होकर अपनी जो खराबियां हैं जो इस्तेहज़ा करते हैं अल्लाह ताला के आयात के साथ उनसे बाज आ जाए। तो पीछे हमने पढ़ा इससे पहली आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने मना किया है कि ऐसी मजलिसों में नहीं बैठना। तो दोनों आयतों को जमा करने से बाद मुफस्सिरीन ने ये सूरत निकाली है कि अगर तो इंसान इसलिए उनमें जाकर बैठता है कि उनके साथ शरीक हो जाए उनकी बातों को सुने तो ऐसा तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ एक सूरत जायज़ है वो ये है कि अगर नसीहत करने के लिए इंसान उधर जाता है उनके साथ बैठता है तो फिर जायज़ है वो इसलिए बैठता है ताकि उनको मना कर सके बुराई से रोक सके तो फिर जायज़ है। तो ये हुक्म जो है सिर्फ मजालस ही के साथ मखसूस नहीं बल्कि आम है। आम इस एतबार से कि जो जालिम लोग हैं उनके गुनाह का बोझ उन्हीं पर है और जो लोग जो हैं वो उनसे इज्तनाब करते हैं और उनसे किसी किस्म का तआमुन नहीं करते उन पर जो है वो बोझ नहीं होगा बल्कि जो नहीं अनिल मुनकर का फरीजा है वो हर शख्स पर है और हर ज़रूरत के वक़्त जो है वो वाजिब ही है। तो जब ज़रूरत हो और इंसान जो इस्तेआत रखता है कि मुनकर का इनकार कर सके करने की उसमें सकत है हिम्मत है कर सकता है तो अब उसके लिए वाजिब है कि वो क्या करे मुनकर का इनकार करे। मुमकिन है कि वो लोग जो मुनकर काम कर रहे हैं इसके कहने से समझाने से वो क्या है अपने मुनकर काम से बाज आ जाए राह हिदायत पे आ जाए सीधे रास्ते पर आ जाए। तो बहरहाल ये इस्तिसनाई सूरत है अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया है وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ नहीं है उन लोगों पर जो तकवा इख्तियार करते हैं उनके मिन हिसाबिहिम मिन शैइन उनके हिसाब से कुछ भी यानी उनका बोझ उन पर नहीं होगा وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ लेकिन क्या है उनके जिम्मे नसीहत करना है ताकि वो क्या हो वो भी तकवा इख्तियार करें। तो ये इस्तिसना एक सूरत है कि अगर कोई बंदा ऐसे लोगों के पास इसलिए बैठता है जाता है ताकि वो उनको समझा सके
तो फिर जायज है उनको राय रास्त पर लाने के लिए। जी दूसरी आप देखते हैं, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, वज़र लदीन तख़दु दीनहुम, और छोड़ दो उन लोगों को, लदीन उन लोगों को, जिन इतखदु, जिन्होंने यानी सब ने बना रखा है, ये फिल माजी है, उन सब ने बना रखा है, दीनहुम अपने दीन को, लाइबन खेल, वलहवन और तमाशा, वगर्रतहुम और धोखे में डाल दिया उनको, अलहयात दुनिया दुनीवी जिंदगी ने, वज़क्किर और नसीहत करते रहो, भी इस जरिए यानी इस कुरान के जरिए से उनको नसीहत करते रहो, अंतुबसाला नफ्स की हलाकत में ना डाला जाए नफ्स, उनको ही नफ्स भी मैं इस वजह से जो कसबत उसने कमाया हो, नहीं सलाह नहीं होगा उसके लिए, बिन दून अल्लाह, अल्लाह के सिवा वली उन कोई दोस्त, वाले शफी उन और ना कोई सिफारशी, वाइन और अगर तादिल तू बदले में दे, कुल आदलिन हर मुआवजा, ला योखद ना वो लिया जाएगा, मिनहा उससे, उलाई का यही लोग हैं, अल्लादीना जो उबसिलू सब हलाकत में डाले गए, बीमा उस वजह से जो कसबू उन सब ने कमाया, लहुम उनके लिए शराबुन पीना है, मिन हमीमिन खोलते हुए पानी से, वादाबुन और आदाब है, अलीमुन दर्दनाक, बीमा इस वजह से जो कानू यकफुरून थे वो सब कुफर करते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया, उन लोगों को छोड़ दें जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और दिल लगी कजरिया बना लिया है, और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखा दिया, और इसके साथ नसीहत कर कि कहीं कोई जान इसके बदले में हलाकत में ना डाल दी जाए। तो बंदों से जो चीज़ मतलूब है वो ये है कि वो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करें, यानी अल्लाह वाहदहु ला शरीक के सिवा किसी की बंदगी ना करें, अल्लाह ताला की रजा और उसके महबूब उमूर के हुसूल में मकदूर भर कोशिश करें, और ये चीज इस बात को मुतजमिन है कि दिल जो है अल्लाह ताला के हुजूर वो हाजिर हो और उसकी तरफ मुतवज्जा रहे, बंदे की जो कोशिश है वो इंतहाई संजीदा और नफामंद हो, गैर संजीदा नहीं होना चाहिए, और ये कोशिश हो कि अल्लाह ताला की रजा के लिए वो काम किया जाए, उसमें रियाकारी शोहरत जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आमाल में रियाकारी आ जाती है, शोहरत आती है, तो फिर वो बड़े से बड़ा भी जो इंसान का काम होता है नेकी का वो ज़ाया हो जाता है। तो पहली चीज़ अल्लाह की रजा है यानी अल्लाह के लिए हो, और दूसरा ये है कि उस तरीके के मुताबिक हो जो अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अगर रियाकारी आ गई फिर भी अमल भी हो बर्बाद हो जाएंगे। सही हदीस में जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कयामत के दिन तीन ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े अमल करके आए होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला उनके अमाल को ज़ाया कर देगा, और उनमें से एक वो भी होगा जो कुरान पाक पढ़ने वाला है, सिखाने वाला है, सीखने सिखाने वाला, इसी तरह सखी भी होगा, तो इसी तरह शहीद होगा, तो रियाकारी की वजह से बड़े बड़े अमल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। क़यामत के दिन उनसे पूछा भी जाएगा, वो कहेंगे या अल्लाह तेरे लिए किया है, ये किए थे काम, अल्लाह ताला कहेगा नहीं आप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो अपनी शोहरत के लिए काम किए थे, वो दुनिया में आपने कर लिया, वो मिल गई, तो रियाकारी जो है शोहरत जो है ये अमल के अंदर ना हो, यही वो हकीकी दीन है जिसको दीन कहा है। रहा वो शख्स जो इस जाम में मुबतला है कि वो हक पर है और वो साहिब दीन है, साहिब तकवा है, और
हालत ये हो उसकी कि उसने दीन को लहव लाभ बना रखा है, उसका जो दिल है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत से खाली हो, वो लहव लाभ में मुस्तगरिक हो और हर उस चीज में मसरूफ हो गया जो उसके लिए जरर रसा हो, और अपने बदन के साथ लहव और बातिल में मशगूल है। क्योंकि अमल और भाग दौड़ अगर गैर अल्लाह के लिए हो तो वो लहव लाभ है, वो खेल तमाशा है। अगर इंसान का अमल जो है, उसकी पूरी कोशिश जो है, वो अल्लाह से हटकर है, किसी और के लिए है, तो वो ऐसे ही है जैसे वो खेल तमाशा कर रहा है। तो शख्स के बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उसे आप छोड़ दें, उससे आप बच जाएं, ऐसे शख्स से आप धोखा ना खाएं। और इसके अहवाल पर गौर किया जाए और उसकी जो खराबियां हैं उनसे बचा जाए। अगर वो तकर्रुब इलाही के अगर वो तकर्रुब इलाही वाले जो आमाल हैं उनसे रोकता है तो उसके धोखे में ना आया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वादारिल्लादीना, अल्लाह ताला फरमा रहे कि जो बेदीन लोग हैं इस किस्म के उनसे मुंह फेर लो, उनका जो अंजाम है नहायत बुरा है। इस कुरान करीम को पढ़कर सुनाकर लोगों को होशियार कर दो, अल्लाह की नाराजगी से और उसके अजाबों से उन्हें डरा दो, ताकि कोई शख्स अपनी बदअमालियों की वजह से हलाक ना हो, पकड़ा ना जाए, रिसवा ना किया जाए, अपने जो मतलूब है उसका उससे महरूम ना रह जाए, जैसे कि अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबुल यमीन, सूरह मुद्दसिर है। हर शख्स अपने आमाल का गिरवी हुआ है, मगर दाएं हाथ वाले, याद रखो किसी का कोई वली और सिफारशी नहीं है। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, मिन कबल अन यातिया यौम ला बैउन फीही वला खुल्ला वला शफाअतुन वल काफिरून हुम ज़ालिमून, सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त है, ना दोस्ती और मोहब्बत, सिफारिश और शफात काफिर पूरे जालिम है। और अगर ये लोग क़यामत के दिन तमाम चीज़ की दुनिया यानी तमाम दुनिया की चीज़ें फिदिये में दे दें या बदले में दे दें, देना भी चाहें, तो इनसे ये फिदिया जो है वो नहीं लिया जाएगा, इनका ये जो बदला है वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो क़यामत के दिन अगर ये लोग तमन्ना भी करेंगे कि जो हमने गुनाह किए उनसे बच जाएं, यानी उन अजाब से बच जाएं अल्लाह ताला के अजाब से, और फिदिये में हम जो हैं वो दुनिया दे दें, तो वो भी इनसे कबूल नहीं की जाएगी, किसी चीज़ के बदले वो अजाबों से निजात नहीं पा सकेंगे। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नल्लज़ीन कफरू व मातू व हुम कुफ्फारू फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबा वला बिफ्तदा भी उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम वमा लहुम मिन नासिरीन, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और वो फौत हो गए इस हाल में कि वो अल्लाह का इनकार करने वाले थे, अल्लाह तबारक तआला फरम फला युक़बला मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबा, उनसे कुफर पर मरने की वजह से अगर जमीन भर कर सोना भी दें तो नामुमकिन है, यानी उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। और उन्हें छोड़ा भी नहीं जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं बस आप कह दीजिए ये वो लोग हैं जो अपनी बदअमालियों की वजह से रिसवा कर दिए गए, इन्हें गर्म खोलता हुआ पानी जो है वो पीने को मिलेगा और उन्हें सख्त अलमनाक आजाब जो है वो उससे दो चार होना पड़ेगा। और ये वो लोग कौन है? काफिर लोग हैं।
आगे अल्लाह फरमाती वादा किर भी, और इसके जरिए से नसीहत करते रहो, यानी कुरान करीम के जरिए से उनको नसीहत कीजिए जो बंदे बंदों के लिए नफामंद है। कुरान के अहकाम सुनाकर, उसकी तफसीलात बयान करके, कुरान में जो अच्छे औसाफ मजकूर हैं उनकी तहसीन करके, और वो औसाफ जो बंदों के लिए जर रसा हैं उनसे उनको मना करके, इसकी अनवा की तफसील बयान कीजिए। और जो कभी औसाफ हुए हैं, बयान हुए हैं, जिनका तर्क करना ज़रूरी है, उन सब के साथ उनको नसीहत कीजिए ताकि वो उनसे बच जाए। ये सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ इस वजह से है कि कहीं कोई नफ्स जो है वो अपने कमाने की, अपनी कमाई की वजह से, अपने आमाल की वजह से हलाकत में ना पड़ जाए। यानी बंदे के गुनाहों में घुस जाने, अल्लाम के सामने जुरत करने और गुनाहों पर कायम रहने से पहले उसे नसीहत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान जो है वो अल्लाह के सामने जुरत कर बैठे और गुनाहों पर वो लगा रहे, गुनाहों को ना छोड़े, उससे पहले उसको नसीहत कीजिए ताकि वो इन गुनाहों से, वो अपना जो उसका फेले कभी है उससे बाज आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं, ले सलाह मिन दूनिल्लाहि वलीयुन वला शफी, नहीं होगा उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना कोई सिफारिश करने वाला। यानी नफ्स को उसके गुनाहों का अहाता कर लेने से पहले नसीहत करो, क्योंकि उसके बाद मखलूक में से कोई भी उसके काम ना आएगा, ना कोई करीबी रिश्तेदार, ना कोई और दोस्त, अल्लाह के सिवा उसका कोई वली और मददगार ना होगा और ना उसकी कोई सिफारिश करने वाला होगा। तो जब इंसान दुनिया से चला जाएगा, अल्लाह के सामने पेश होगा, अब उसके लिए कोई सिफारिश नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते मंजल्ला दी अशफा इंदहु इल्ला बिदनी, कौन है जो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करे इल्ला बिदनी, मगर उसकी इजाजत के साथ। तो अल्लाह तबारक जिसको इजाजत देगा वही सिफारिश करेगा, इसके अलावा तो कोई नहीं कर सकेगा। तो सिफारिश भी वही कर सकता है जिसको अल्लाह की तरफ से इजाजत मिले। अब अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लम से हटकर उनके अलावा बाकी किसके लिए कोई दलील है हमारे पास आया कि वो सिफारिश कर पाएगा? तो अल्लाह तबारक व ताला जिसको चाहे, वो खास लोग जो है सिफारिश करेंगे। लेकिन कौन है इस वक्त मुराद, कौन वो जो शर्त है जो अल्लाह तबारक व ताला ने आमार रखे हैं वो उन पर पूरा उतर रहा है? किसी के बारे में हतमी तो नहीं कहा जा सकता दुनिया में कि फलां शख्स ये हो या सिफारिश करने का हाल है। तो बहरहाल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश अगर किसी के लिए किसी ने करनी है तो वो अल्लाह की इजाज़त के साथ है, अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सिफारिश कर पाएगा। फरमाते हैं अल्लाह ताला, व इन तअदिल कुल्ल अदलिन ला युखज़ मिन्हा, अगरचे वो हर चीज़ मुआवजे में देना चाहे, यानी अगर ये नफ्स हर किस्म का फिदिया दे, ख्वाह वह ज़मीन भर कर सोना क्यों ना हो, ला युखज़ मिन्हा, वो उससे कबूल ना होगा, यानी उससे ये फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा और ना ये फिदिया कोई उसको फ़ायदा देगा। क़यामत के दिन जब इंसान अल्लाह के सामने पेश हो जाएगा, अब वो कोशिश करेगा, तमन्ना भी करेगा कि मैं इतना फिदिया देकर अपनी जान छुड़ा लूं, तो ये मुमकिन नहीं है। इससे पहले पहले ऐसे लोगों क्या है वसीयत करने की ज़रूरत है। उखरवी अजाब से निजात की सूरतें, सजा से बचने की मुमकिन सूरतें तो यही हो सकती हैं कि कोई शख्स किसी की हिमायत में खड़ा हो जाए, जो सजा देने पर, यानी सजा जो देने वाला है उस पर असरअंदाज हो सके, या सजा देने वाले का मुकर्रब हो और वो उसकी सिफारिश करे ताकि उसे सजा से माफ रखे, यानी सजा उसको ना देने दे। तीसरी सूरत ये है कि कुछ दे दिलाकर अपनी जो है वो खलासी पा ले। तो ये जो तीन सूरतें हैं, ये ऐसे शख्स के लिए अल्लाह क्या ना मुमकिन है कि कोई उसका हिमायती खड़ा हो जाए जो अल्लाह ताला से
कहे कि इसको छोड़ दिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अल्लाह के सामने कोई इस तरह की जुर्रत नहीं कर पाएगा किसी को, किसी के बारे में कहे कि इसको छोड़ दो। अल्लाह तबारक ताला के यहाँ तो अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई, अल्लाह ताला के जो मुकर्रर फरिश्ते हैं या अंबिया और रुसल में से, वो भी अल्लाह की इजाजत के बगैर जो है अल्लाह ताला से सिफारिश नहीं करेंगे किसी। कयामत के दिन जो सबसे बड़ी सिफारिश होगी वो ये ऐसे है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग बहुत परेशान होंगे तो अंबिया के पास आएंगे, आदम अलैहिस्सलाम के, ऐसे करते करते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आएंगे और उनको कहेंगे कि आप अल्लाह ताला से सिफारिश करें दुआ, और जो है लोगों का हिसाबो किताब शुरू हो जाए। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के सामने सजदे में गिरेंगे और आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला मुझे इल्हाम करेगा, मैं दुआएं करूंगा जो अभी मुझे नहीं है याद, यानी मैं ऐसे कलिमात पढ़ूंगा, अल्लाह तबारक ताला फिर जो है वो दुआ कबूल करेंगे और फिर लोगों का हिसाब किताब शुरू होगा। तो ये अल्लाह ताला की इजाजत से है, जब अल्लाह इजाजत देंगे तब ऐसा होगा। तो ये भी सूरत नहीं है कोई किसी की हिमायत में खड़ा हो जाए, और ये भी ऐसी सूरत नहीं कि कोई अल्लाह का ऐसा मुकर्रब है जो किसी दूसरे की सिफारिश करे, ऐसा ऐसे नहीं है। जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं होगी ऐसे सिफारिश कोई नहीं करेगा अल्लाह के सामने। जिसको अल्लाह इजाजत देगा, जिसके बारे में इजाजत होगी, उसी के कोई सिफारिश करेगा और उस खास के लिए जिसके बारे में कहा गया उसके उसके बारे में सिफारिश होगी। और ये भी नहीं सूरत जैसे दुनिया में होता है कोई किसी मुकदमे में फंस जाए तो क्या करते हैं, असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, अगर ऐसा ना हो सके तो वो पैसे देकर, रिश्वत देकर जो है वो अपने आप को बरी कर लेते हैं। ऐसी सूरत भी अल्लाह के सामने पे वो नहीं होगी। तो तीनों जो सूरतें हैं अजाब से बचने की, वो तीनों ही किसी सूरत में पूरी होने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं उलाइका, वो लोग जो मज़कूरा और साफ से मौसूफ हैं, जिनकी ये सिफतें बयान की गई हैं, अल्लदीन उबसिलू, उन लोगों को हलाक कर दिया गया, वो हर किस्म की बुराई से मायूस हो गए हैं और उनके आमाल के सबब ये जो कुछ हुआ है, ये जो सजा उनकी जिक्र हुई है उनके आमाल की वजह से है। क्या होगा फिर उनके लिए, लहुम शराब मिन हमीम, उनके लिए मशरूब होगा उबलता हुआ गर्म पानी होगा जो उनके चेहरों को भून डालेगा और उनकी अंतड़ियों को काट डालेगा, यानी इतना वो गर्म पानी होगा, उबलता हुआ पानी होगा जो उनको पीने के लिए दिया जाएगा। जहरी बात है अल्लाह ताला हमें महफूज रखें, जो अजाब में हैं जहन्नुम में चले जाएंगे। अब प्यास की सूरत में क्या होगा, प्यास लगी हो, तपश हो, तो इंसान चाहता है कि ठंडा पानी मिले, लेकिन उनको क्या है, उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा, जहन्नमी पानी, वो भी पीप वगैरह इस तरह का होगा। जब वो पियेंगे तो उनके चेहरे जो हैं वो से जैसे गोश्त को भूना जाता है, इस तरह उनके चेहरे जो हैं वो जो वो झुलस जाएंगे, जल जाएंगे, और जब वो पियेंगे चेहरे का ये हालत होगी, और जब वो पी लेंगे तो पेट के अंदर जाएगा तो उनकी अंतड़ियां जो हैं वो कट जाएंगी, इतना सख्त इतना गर्म पानी होगा कि अंतड़ियां भी उनकी जो हैं वो कट जाएंगी, पानी की सख्ती, पानी इतना गर्म होगा। फरमाया वादाबुन अलीमु बिमा कानी फरू, और उनके कुफर की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब भी होगा। ये तो एक सूरत है कि उनके लिए पीने के लिए तो गर्म पानी है जो ये हालत उनकी कर देगा, और इसके अलावा भी उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक किस्म का अजाब तैयार कर रखा है। वजह क्या थी उनकी, जो उन्होंने इनकार किया
अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम को माना ना, कुफर कर दिया, अल्लाह ताला का इनकार किया, इस वजह से उन लोगों को अजाब से जो है वो दो चार होना पड़ेगा।